नमस्कार दोस्तों, आज खबर कुछ ऐसी है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। जी हां, अनीता बेनीवाल यानी कि हनुमान बेनीवाल की भतीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। हम आपको वो दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अनीता बेनीवाल ने बाकायदा मीडिया कर्मी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब वह चुनाव लड़ सकती है, वह भी बेनीवाल के सामने। तो ये देखिए अनीता बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने की। मेरे दादा विधायक रह चुके हैं मुंडवा से, उनके बाद में मेरे फादर भी सरपंच रह चुके हैं बरन गांव से कई बारी, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे को विरासत में मिली है और राजनीति, और मैं चाहूंगी कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। मेरे पापा के कुछ सपने थे, वो हनुमान बेनीवाल में उन्होंने देखे थे और पूरा सहयोग किया था पूरा करवाने के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूंगी अब ये मैं पूरे करूँ, जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं उनसे छूट गई हैं वो मैं पूरी करूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जब मैं 21 साल की हो गई थी मैं पंचायत के चुनाव लड़ सकती थी, उस टाइम में मेरी एजुकेशन चल रही थी और उस समय में लोग मेरे पास में अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं आते थे, एज ए स्टूडेंट एज ए मतलब छोटी बच्ची समझते थे। अब उस प्लेटफॉर्म पे मैं पहुँची हूँ जहाँ मुझसे मेडिकल के थ्रू ही सही लोगों से बातचीत हो पा रही है। अगर जहाँ जब तक बातचीत नहीं हो पाती तब तक मालूम नहीं चलता लोग क्या चाहते हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे आऊँ, उनके लिए कुछ करूँ, तो इसीलिए मैं ये मौका है मेरे लिए अच्छा कि लोग खुद सामने से आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैडम आप कर सकती हैं, आप करें, हम आपके सपोर्ट में हैं। अगर जनता सपोर्ट में है तो एक चांस लेना चाहिए। कौन से ठीक है, तो जहाँ तक आप देख रहे हैं कि मुद्दे उन्होंने उठाए हैं किसानों के लिए काम करने का, बालिकाओं के लिए काम करने का, महिलाओं के लिए काम करने का, ठीक है, तो वो अभी तक मुद्दे मुद्दे हैं। आपको भी मालूम है कि अगर जितने मुद्दे बनाए जाएं वो सारे मुद्दे एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। बट वो पिछले 10 साल से वहाँ पे राजनीति में है और खिमसर क्षेत्र से ही है। आप देख लें पिछले 10 सालों में क्या चीज़ है, मुद्दा जो पहले भी था जब वो खड़े हो रहे थे तब भी था और आज भी बना हुआ है। वो मुद्दे जो पूरे नहीं हुए वे मुद्दे मैं उठा के पूरा करना चाहूँगा। अगर बीजेपी मैम टिकट नहीं देती है फिर आपका आगे का स्टैंड क्या रहेगा? अगर कोशिश है कि टिकट मिले, अगर ना मिले तो भी मैं बैकआउट नहीं करूंगी, मैं लड़ना चाहूंगी। जनता मेरे साथ में है, पिछले 2 सालों में जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आया है उन्होंने बिल्कुल अपना सपोर्ट दिखाया है, अपना सपोर्ट में है लोग, तो क्यों ना मैं अगर उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उठूँ।